कभी कभी देखा जाता है कि कॉलेज के दिनों की प्रेमी जोड़ों का प्रेम विवाह के बाद कम होने लगता है। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब आप नौजवान थे, उन दिनों आपके आशा अभिलाषाओं में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? प्रेम का, है ना? मैंने कॉलेज प्रांगणों में कई प्रेमी युगलों को देखा है। ये जोड़े एक साथ यूं चहकते फिरते हुए मिलेंगे मानो एक दूजे के लिए बने हो। नयनों में एक खास चमक होगी, चेहरों पर आनंद और उल्लास का उभार। मस्तानी चाल और अविरल वार्तालाप से पूरे माहौल को सरस बना देने का सलीका। उछलते मचलते हुए उनका वह स्वच्छंद विचरण देखे तो लगेगा कि यह सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। माँ बाप, समाज और संस्कृति को धत्ता बताते हुए ये लोग विवाह सूत्र में बंध जाएंगे। लेकिन 5-6 साल बाद उनके देखने का मौका मिले तो आप निश्चित रूप से चौंक उठेंगे। हुलिया इतना बदल गया होगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। अभी 4-5 साल पहले जो जोश और जीवट के पुतले बनकर घूम रहे थे, आज कहां गई गालों की लालिमा, चेहरे की वह कांति, वह मस्तानी चाल? बेचारे सूख कर कांटे बन गए हैं, खोए खोए से घूम रहे हैं, जैसे उनका सर्वस्व नष्ट हो गया हो। जिस शख्स की याद आने मात्र से चेहरे पर आह्लाद खिल उठता था, अब उसकी निकटता वेदना का पर्याय बन गई होगी। ऐसा क्यों होता है? प्रेम की घनिष्ठता के उन दिनों में जब वे एक दूसरे को प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, गिला शिकवा के बिना घंटों बैठकर इंतजार करते थे, भूख प्यास धूप बारिश किसी का बोध नहीं रहता था, समय का बोध भी नहीं। जब सपने साकार हो गए तो वहां व्यापार का प्रवेश हो गया। मोहब्बत को पूंजी के रूप में मानकर जिंदगी शुरू करने के थोड़े ही समय बाद उबन, दर्द और खीज का आलम छा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक दिन पार्क में शंकरन पिल्ले की एक सुंदर लड़की से मुलाकात हो गई। वह बेंच पर बैठी थी, पिल्ले उसके समीप जाकर बैठ गए। जब वह सुंदरी वहां से हटने लगी तो शंकरन पिल्ले ने उसके सामने घुटने टेक दिए। जाने मन, मैं तुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं, तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता, ना कह दोगी तो अभी जान दे दूंगा। शंकरन पिल्ले ने गदगद होकर प्रणय निवेदन किया। वह लड़की उनके लल्लो चुप्पो पर मुग्ध हो गई। वह इत्मीनान से शंकरन पिल्ले की गोदी में लेट गई। फिर क्या था, शंकरन पिल्ले उसके साथ जी भरकर प्रेम व्यापार करने लगे। लड़की भी पिल्ले जैसे आराधक को पाकर निहाल हो गई। समय के गुजरने का एहसास नहीं हुआ। शाम के 7:30 बज गए। शंकरन पिल्ले ने कलाई की घड़ी देखी, हड़बड़ी में उठ गए। लड़की ने गुहार किया, मेरे सनम, मुझे छोड़कर जाना नहीं। अभी भी वह पिल्ले के मोह जाल में फंसकर उन पर फिदा थी। शंकरन पिल्ले ने कहा, हाय, मैंने अपनी पत्नी को वादा किया था कि आज जल्दी घर लौट आऊंगा, उफ देर हो गई है। क्या कहा, पत्नी? अभी तो आप कह रहे थे युग युगों तक मुझसे प्यार करेंगे। हाय, मैं भी उसे सच मान बैठी, लड़की रोने लगी। अरे बेवकूफ, मोहब्बत जो है अलीबाबा की बोल खुल जा सिमसिम की तरह अपना उल्लू सीधा करने का एक मंत्र है बस। यो कहकर शंकरन पिल्ले ने उसका परित्याग कर दिया। शंकरन पिल्ले के सरीखे व्यवहार को क्या हम प्रेम कहकर पुकार सकते हैं? कोई स्त्री और पुरुष बैठकर यदि कुछ बातों का आदान प्रदान करे, मुंह जबानी कुछ चीजों के लेन देन का वादा करे, तो बिना लिखत पढ़त का वह समझौता प्रेम कहा जाएगा? आपको सामाजिक स्तर पर एक साथी की जरूरत है। वह शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए हो सकता है, मानसिक संतोष के लिए हो सकता है, अथवा आर्थिक सुविधा के लिए हो सकता है। लेकिन इस तरह की जरूरतों से जो पैदा होता है, निश्चय ही वह प्रेम नहीं है। जो लोग प्रेम की बुनियाद को समझे बिना विवाह को सामाजिक सुरक्षा मात्र मान लेते हैं, वे प्रेम की हत्या ही कर सकते हैं। इस इंतजाम में जाने क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन केवल आनंद नहीं मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यही दुर्योग चलता चला आ रहा है।
म्यांमार का एक जवान दूसरे विश्व युद्ध के बाद फौज से निवृत्त होकर कोई और नौकरी करने चला गया। दरअसल उसने अपनी फौजी सेवा के दौरान दुश्मनों के घमासान हमले का सामना कुल 15 मिनट तक किया होगा। वह उन 15 मिनट की घटना का घंटों तक वर्णन करते रहता। एक तरफ अमेरिका बमबारी कर रहा था, दूसरी तरफ जापानी बम भर मचा रहे थे। जिस दिशा में मुझे बंदूकों की ठाएं ठाएं, तोपों की गूंज, आसमान पर चिंगारियां, उनके बीच में काली कजरारी धुआं, लड़ाई का वर्णन करते नहीं अघाता था। अगर उससे पूछा जाए, लड़ाई के बाद आपने क्या किया, इसका तुरंत जवाब मिलता, बिक्री प्रतिनिधि का काम कर रहा हो। अगले 25 साल के कार्यकलाप को एक ही वाकई में समेट डालता। उस जवान ने बस 15 मिनट के लिए ही जिंदगी को तीव्रता के साथ जिया था। इस तरह से प्रेम के दीवाने बहुत कम समय के लिए प्रेम को गहराई में जीते हैं। इसलिए प्रेम करने के दिनों का बयान करते समय आपने देखा होगा, बूढ़ों के चेहरे पर भी एक चमक कौंध उठती है। इस प्रकार के महिमामय प्रेम को आप म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम न समझे। प्रेम व्यापार नहीं है, माया भी नहीं है, वास्तव में वह एक उदात्त भावना है। धन्यवाद।